गुलरिया थाना के भटहट पुलिस चौकी क्षेत्र में पिछले सप्ताह जनसेवा केंद्र पर 2 लाख लूट करने वाले शातिर अपराधियों को रविवार की देर रात पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम से बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। देर रात गुलरिया इलाके के भटहट में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लग गई। आनन फानन में पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां दोनों बदमाशों का इलाज चल रहा है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध असलहा, कारतूस, खोखा और बाइक भी बरामद किया है। पुलिस से हुई मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि दोनों बदमाशों की पहचान सहजरवा इलाके के घघसरा निवासी संतोष यादव व चुलुआताल के रामपुरचक निवासी गौरव यादव के रूप में हुई। दोनों बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं। दोनों ने बीते दिनों भटहट इलाके में जनसेवा केंद्र में 2 लाख रुपए की लूट की थी। दोनों वारदात को अंजाम देते CCTV कैमरे में कैद हुए थे, तभी से पुलिस व क्राइम ब्रांच को इनकी तलाश थी। रविवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों गुलहरिया के भटहट होते हुए कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू की। दोनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। खुद को बचाते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों बदमाश गोली लगने से वहीं गिर गए। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और SSP दिनेश कुमार पी ने कहा। थाना गुलरिया में चौकी भटहट के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र पे लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें मुखबिरों द्वारा ये जानकारी मिली कि उसके अपराधी संतोष यादव और गौरव यादव इस समय सरहरी रोड पे जा रहे हैं। ये सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की पुलिस तथा थाना गुलरिया की पुलिस ने संयुक्त रूप से उनका पीछा किया। जब घिरने की स्थिति आई तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाई जो कि उनके पैर में लगी और वो घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए तत्काल BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विगत दिनों में गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटहट चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक जनसेवा केंद्र में, बैंक के जो जनसेवा केंद्र, वहाँ से जो वहाँ के ऑफिस में घुस के 3 लोगों ने 2 लाख लगभग नगद लूटने की इन्फॉर्मेशन आया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती, FIR तत्काल लिखवाया 3 अज्ञात के विरुद्ध, और उसमें CCTV कैमरा फुटेजेस वगैरह कंगाला, और उसी के चलते मैनुअल मुखबिरी के चलते एक सूचना ऐसी मिली है कि रात में बदमाश उधर से गुजर रहे हैं, जो कि उस लूट से संबंधित लोग हैं। उसे घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश किया गया था, तभी पुलिस पार्टी पे उन लोगों ने अंधाधुंधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस अपने आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिनका पहचान संतोष एवं गौरव नाम के व्यक्ति हुए हैं। ये दोनों सहजनवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इनका है। इनके द्वारा कबूला भी गया है कि इन्होंने गुलरिया थाने की लूट किया है, तो इनको मेडिकल हॉस्पिटल ले भेज के उनका प्राथमिक उपचार किया है, अभी वो सेफ है। अन्य जो अभियुक्तों के बारे में लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं।